Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। कनाडा सुपरस्टार यश को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो सुपरस्टार यश तेजा सज्जा स्टारर निर्देशक प्रशांत वर्मा की अपकमिंग मूवी जय हनुमान में नजर आ सकते हैं। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद एक्टर की ओर से बयान सामने आ गया है। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद एक्टर के करीबी सोर्स ने इन रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि वो इस मूवी का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, जिसके बाद से कई सारे फैंस का दिल टूट गया है। नंबर टू, बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर अपनी हालिया रिलीज मूवी एनिमल की बम्पर सक्सेस के बाद फैंस की फेवरेट बन गए हैं। हाल ही में सुपरस्टार रणबीर कपूर मुंबई में आयोजित सालाना अवार्ड शो लोकमत अवार्ड्स में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां सुपरस्टार रणबीर कपूर की धांसू एंट्री फैंस का दिल जीत ले गई। सुपरस्टार रणबीर कपूर ने इस दौरान ब्लैक सूट में धमाकेदार एंट्री मारी, लेकिन इस दौरान फिल्म स्टार के साथ जितेंद्र भी पहुंचे थे, जिनका हाथ थामे वो उन्हें अंदर लेकर आए। सुपरस्टार रणबीर कपूर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नंबर थ्री, एंटरटेनमेंट न्यूज वर्ल्ड में एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि तेलुगु फिल्म स्टार अद्वी शेष की अपकमिंग मूवी G2 के मेकर्स ने इमरान हाशमी का अपनी मूवी में धांसू वेलकम कर डाला है। इसके साथ ही मेकर्स ने इमरान हाशमी का एक जबरदस्त लुक अपने पोस्टर के साथ जारी किया है। इस पोस्टर को रिलीज करते हुए निर्माताओं ने G2 की दुनिया में इमरान हाशमी का स्वागत किया है, कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी होने वाली है। इस ऐलान के साथ ही मेकर्स ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग इन दिनों जोरों शोरों से चल रही है। फैंस भी इमरान हाशमी को की इस मूवी में देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं। नंबर फोर, 9 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को बॉक्स ऑफिस पर 7 दिन पूरे हो गए हैं। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की कमाई में 7वें दिन गिरावट देखने को मिल रही है। सेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद कपूर और कृति सेनन की धांसू फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 7वें दिन 3.25 करोड़ रुपए कमा पाई है। फिल्म की ये कमाई 6ठे दिन के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने 6ठे दिन 7.21 करोड़ रुपए कमाए थे। नंबर 5, सुनील ग्रोवर की वेब सीरीज सनफ्लावर 2 का फैंस को लंबे समय से इंतजार था। सीरीज मेकर्स ने सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। वेब सीरीज सनफ्लावर 2 का ट्रेलर काफी धांसू है। इस बार सीरीज में सुनील ग्रोवर के साथ साथ अदा शर्मा भी धमाल मचाने वाली है। सनफ्लावर 2 के ट्रेलर की कहानी राज कपूर नाम के एक आदमी के मर्डर के इर्द गिर्द घूमती है। इस खून के इल्जाम में पुलिस ने सोनू यानी कि सुनील ग्रोवर को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच अदा शर्मा की एंट्री होती है। ट्रेलर में कई सारे कॉमेडी से भरे सीन्स दिखाए गए हैं। नंबर 6, जॉनी लीवर ने अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान की जमकर तारीफ की है। साथ ही साथ बताया है कि एक समय था जब वो किंग खान से भी ज्यादा फेमस थे। जॉनी लीवर ने बताया कि जब शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर में वो नजर आए थे, तब लोग किंग खान से ज्यादा उन्हें पहचानते थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं स्टार था और शाहरुख खान उभर ही रहे थे। इसके आगे जॉनी लीवर ने शाहरुख खान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें डांस और एक्शन सीन में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन शाहरुख खान ने इसे अपनी मेहनत से काफी अच्छा कर लिया है। नंबर 7, अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। इस मूवी में दोनों स्टार्स पहली बार साथ दिखाई देने वाले हैं। अब इसके मेकर्स ने इसके टाइटल ट्रैक के रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। फैंस भी इस गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि बड़े मियां छोटे मियां का टाइटल ट्रैक 19 फरवरी को रिलीज होने वाला है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म में मानुषी छिल्लर, अलाया एफ और सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आने वाले हैं। नंबर 8, रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं। 15 फरवरी को मुंबई में जैकी के घर ढोल नाइट रखी गई थी, जहां रकुल अपनी फैमिली के साथ पहुंची थी। एक्ट्रेस का अपनी फैमिली के साथ ढोल नाइट में जाते हुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि जैकी और रकुल 21 फरवरी को साउथ गोवा के एक लग्जरी होटल में शादी करने वाले हैं। जैकी और रकुल ने गोवा में शादी करने का फैसला लिया, क्योंकि ये जगह उनके लिए खास है। उनके रोमांस की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। नंबर 9, जोया अख्तर की द आर्चीज से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली जानवी कपूर की छोटी बहन खुशी जल्द ही सारा अली खान के भाई और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करती नजर आने वाली है। पिंक विला की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक पहले खुलासा किया गया था कि करण जौहर इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर के साथ एक रोमांटिक कॉम फिल्म का प्लान कर रहे हैं। साथ ही ये भी सामने आया था कि ये फिल्म डायरेक्ट टू OTT रिलीज होगी और शाउना गौतम के निर्देशन में पहली फिल्म होगी। अब आपको बता दें कि करण जौहर की इस फिल्म का नाम सामने आ चुका है, जिसका नाम नादानिया रखा गया है। नंबर 10, कार्तिक आर्यन जल्द ही भूल भुलैया 3 में नजर आने वाले हैं। ऐसे में एक्टर ने एक पोस्ट शेयर कर फैंस के सामने हेयर स्टाइल से जुड़ी कंफ्यूजन जाहिर कर दी है। फिर क्या था, देखते ही देखते कमेंट सेक्शन में फैंस ने अपने सुझाव देना शुरू कर दिया। जहां कार्तिक आर्यन की इस फोटो पर किसी ने कहा कि वो लंबे बालों में ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो किसी ने बोला कि आप जैसे भी लुक को कैरी करें हमेशा बढ़िया लगते हैं। वहीं ज्यादातर लोग उनकी बॉडी और लुक की भी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 11,
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज पोचर की रिलीज को लेकर खासा बिजी चल रही है। बतौर प्रोड्यूसर आलिया भट्ट की ये पहली वेब सीरीज होने वाली है। आलिया भट्ट ने अभी हाल ही में इसके ट्रेलर लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया, जहां अदाकारा आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग वेब सीरीज पोचर के बारे में खुलकर बात करती हुई नजर आई। अदाकारा ने इस दौरान एकदम बॉसी लुक के साथ पोचर ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एंट्री मारी थी, जहां से उनकी काफी सारी तस्वीरें आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। नंबर 12। पिछले साल रिलीज हुई धक धक फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला। वही हाल ही में डायरेक्टर तरुण डुडेजा ने इस फिल्म के सीक्वल धक धक 2 को हरी झंडी दे दी है। एक बार फिर चार धाकड़ लेडीज अपनी जिंदगी के सफर पर निकलेंगी और जी भर कर जिएंगी। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज से बात करते हुए तरुण डुडेजा ने बताया, अभी फिल्म बहुत शुरुआती चरण में है। OTT रिलीज के बाद हमें जो प्रतिक्रिया मिली वो वाकई बहुत अच्छी थी। दर्शकों को किरदार पसंद आए, हम फिलहाल नया आइडिया खोज रहे हैं। नंबर 13। 2 दशक के बाद शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म इश्क विश्क का सीक्वल आ रहा है, वो भी इसी साल, जिसका नाम इश्क विश्क रीबाउंड है। इस फिल्म के जरिए ऋतिक रोशन की कजन पश्मीना रोशन डेब्यू कर रही है। इश्क विश्क रीबाउंड को लेकर मेकर्स ने बताया कि इश्क विश्क में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये अनाउंसमेंट एकदम क्लियर है। इश्क विश्क रीबाउंड ये है प्यार का सेकेंड राउंड, जो की थिएटर में 28 जून को आ रहा है। पिछले साल सलमान खान की टाइगर 3 आई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिया। टाइगर फ्रेंचाइज की पहली फिल्म कबीर खान ने डायरेक्ट की थी। अब ताज़ा खबरों के मुताबिक सलमान खान एक बार फिर से कबीर खान के साथ कोलैबोरेट करने की सोच रहे हैं। हालांकि इस पर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में दोनों फिर से एक साथ काम करेंगे। बताया जा रहा है कि कबीर खान ने सलमान खान को बब्बर शेर के लिए अप्रोच किया है। मशहूर एक्टर अजय देवगन यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। मंगलवार से वो अपनी अपकमिंग मूवी रेड 2 की शूटिंग में लग जाने वाले हैं। बता दें कि मूवी का मुहूर्त शॉट मुंबई में शूट हो चुका है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा एक्ट्रेस रानी कपूर, रितेश देशमुख, साउथ स्टार रवि तेजा और रजत कपूर भी दिखेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मूवी का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास की जगहों पर शूट किया जाएगा। हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं है कि बॉलीवुड के सिंघम कितने दिनों यहां पर शूटिंग करेंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।